साल के छठे महीने का ये चौथा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त 1982 को प्रतिवर्ष 4 जून को मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। बच्चों के साथ भी कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इन्हीं पीड़ा को ध्यान में रखते हुए हर साल 4 जून को मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो पीड़ित हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हैं। 4 जून 1989 को चीन की राजधानी बीजिंग में चीन की सेना ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्ते नागरिकों पर बंदूकों और टैंकों से कार्रवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसे थेन आदमन स्क्वायर नरसंहार के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के एक होटल में मशहूर अमेरिकी सांसद रॉबर्ट कैनेडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। रॉबर्ट कैनेडी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के छोटे भाई थे। जॉन एफ कैनेडी की हत्या 1963 में हुई थी। रॉबर्ट कैनेडी अपनी मौत के वक्त देश के अगले राष्ट्रपति के पद के लिए बेहद मजबूत दावेदार माने जाते थे। कैनेडी की हत्या एक फिलिस्तीन मूल के आदमी ने की थी, जिसने हत्या के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसने ये कदम अपने देश के लिए उठाया है। बॉलीवुड पर 4 दशक तक राज करने वाली एक्ट्रेस नूतन की 4 जून 1936 को बर्थ एनिवर्सरी है। नूतन ने महज 14 साल की उम्र में फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। 70 दशक के प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में नूतन सबसे खूबसूरत अभिनेत्री थी। नूतन पहली ऐसी महिला थी जो मिस इंडिया खिताब अपने नाम कर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, नूतन ने अपने जीवन काल में 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके साथ साथ नूतन को 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।